Since you last said that you love me, वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपना पेनड्राइव है, सैंडिस्क का पेनड्राइव या कोई भी पेनड्राइव जो ओटीजी से कनेक्टेड है, उस पेनड्राइव को अपने मोबाइल से एक्सेस करेंगे, जो ये एरर आती है प्रोवाइड नॉर्मल रिवर्स चार्जिंग, इस एरर को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अपने पेनड्राइव को डेटा को कैसे एक्सेस करें, कॉपी कैसे करें, सारी चीज़ जो आपका एक नॉर्मल पेनड्राइव करता है। तो जब हम अपने पेनड्राइव को इंसर्ट करते हैं तो ये ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आता है, डू नॉट रिमूव योर पेनड्राइव, प्रोवाइड नॉर्मल एंड रिवर्स चार्जिंग ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर हम सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाके हम वहाँ से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी रहे हो, सिस्टम में जाके वहाँ बिल्ड डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करेंगे। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये बिल्ड नंबर पर 5-6 बार क्लिक करना होगा, मैक्सिमम 7 बार। तो क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर बन जाएंगे। अब वहाँ से आपको ये USB डिबगिंग, आप जैसा कि देख रहे हो USB डिबगिंग, इसको आपको डिसेबल करना है, ठीक है। इनेबल होता है, इसे डिसेबल करना है। जब आप डिसेबल कर दोगे तो क्या होता है कि अब आपका जो आपका ये पेनड्राइव है, आपको डेटा वेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा उस टाइम, बस आपको एक चार्जिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, चार्जिंग प्रोवाइड करेगा और कोई भी ऐसा कुछ एरर नहीं प्रोवाइड आपको शो होगा। तो आप ये एरर सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको डेटा भी एक्सेस करना है तो आप इसी तरह एक्सेस करोगे और आपका पेनड्राइव डेटा शो होने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। अगर फिर भी आपका ये एरर सॉल्व ना होता हो तो आपके फ़ोन में, आपके जैक में प्रॉब्लम है। उस जैक को आप, जो आपका ब्रश है टीथ ब्रश, उसको आप लेकर साफ कर दोगे तो मे बी आपका पेट्रोल लगा के थोड़ा सा उसे साफ कर दोगे, ऐसा लग जाएगा कि उसमें कुछ गर्दा कुछ ऐसा डस्ट नहीं है, तो आपका इससे भी आपका सही हो सकता है। और अनदर ऑप्शन ये है कि अगर आप पेन ड्राइव विंडोज़ की प्रेस करके आपको ऑल ड्राइवर लिख के सर्च करना है। जब वो सर्च कर लोगे आप तो आपका सारा ड्राइवर वहाँ पे दिखने लगेगा। जब आपका सारा ड्राइवर दिखने लगेगा तो वहाँ पे आपको जाना होगा USB, ऑल ड्राइवर्स के USB पोर्ट पे जाना होगा। जो भी आपका पोर्ट जिस पे भी आप इंसर्ट कर रहे हो वहाँ पे देखोगे तो ब्लिंक हो रहा होगा, उसको आपको अपडेट करना ड्राइवर, या अनइंस्टॉल करके, ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके फिर आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना अपना सिस्टम। फिर रिस्टार्ट कर दोगे आप अपने सिस्टम को तो फिर कनेक्ट करोगे तो आपका फिर मोबाइल आपका उस आपके PC में शो होने लगेगा। तो ये आपको 3 ऑप्शन करना होगा। पहला आप USB डिबगिंग करके ऑन ऑफ कर लो, उससे आपका ये डेटा एक्सेस हो जाएगा पेन ड्राइव का। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पोर्ट को सही से साफ कर लो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका फ़ोन आपके USB से, आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन के अपने सिस्टम में ऑल ड्राइवर्स लिख के वहाँ पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको USB ड्राइवर्स को अपडेट करना है। जब आप अपडेट कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे Asus का फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे फ़ोनों में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग बहुत ही नज़दीक अपने 1K सब्सक्राइबर्स है, तो आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो, अच्छे अच्छे ऑसम वीडियो बनाते रहता हूँ।